नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। शिव और शक्ति के मिलन को महाशिवरात्रि कहते हैं, तो आज का एपिसोड है महाशिवरात्रि के ऊपर। भगवान भोले शंकर को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे मनवांछित फल प्राप्त किया जाए, तो बहुत सारी जानकारी देंगे इसके बारे में। तो हमारे साथ है प्रोफेसर साहब और पंडित जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बैठे हैं अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने प्राचीन कृष्णा मंदिर में। प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब का कहना है कि घर में कभी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, घर में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए, तो ये सब कार्य जो है वो मंदिर में बैठ के ही करने चाहिए। तो आज भोले शंकर का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो भोले शंकर कालों के काल महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे उनसे मनवांछित फल प्राप्त करना चाहिए, तो आज प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब से जानकारी लेंगे। प्रोफेसर, शिव और शक्ति के मिलन को महाशिवरात्रि कहते हैं, तो भगवान भोले शंकर की इस दिन अगर कहते हैं कि पूजा की जाए, तो कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख, कोई समस्या या कोई भी हेल्थ इशू नहीं आता, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल शिफाली जी, ये सत्य है। शिवरात्रि, शिव की रात, यहाँ से जीवन शुरू होता है। मैंने अपने जो पिछला एपिसोड यानी कि पिछले साल शिवरात्रि के ऊपर किया था, उसके ऊपर मैंने बताया था जीवन आज से शुरू होता है। वो कैसे शुरू होता है मैंने बताया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ शॉर्टकट में। आज के दिन जितने भूत प्रेत भोले शंकर को मानते हैं, भोले शंकर के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी बारात में गए थे, और उनकी गति होती है आज के दिन मक्खी मच्छर बैक्टीरिया के रूप में वो जागते हैं, उनको गति मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता ही है मच्छर का कितने दिन का होता है, मक्खी कितने दिन जीती है, तो जो भूत प्रेत होते हैं उनको जीवन मिलना शुरू हो जाता है, गति मिल जाती है आज के दिन। आज की रात को जिनकी गति नहीं होती उनकी गति हो जाती है जो शिव की पूजा करते हैं। और पूजा कैसे करते हैं शिफाली जी, जैसे जैसे मेरे से पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट में जवाब दूंगा, क्योंकि आज हम प्राचीन कृष्णा मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे बिल्कुल ऑफिस के सामने ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का एपिसोड हमारे भोले शंकर के आगे ही किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे पूजा आराधना की जाती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त कल शिवरात्रि की रात को 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, चंद्र, मंगल, शनि, बुध और शुक्र। ये 5 ग्रहों का मेल है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, यहां बहुत मानने वाली बात है, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ रहे हैं, और राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो सभी बोलते हैं काल सर्प दोष लग गया। तो मैं तो वैसे आपको बता देता हूं कि मैं इन चीजों का नहीं मानता। काल सर्प दोष अभी अभी से शुरू हुआ है, आज से 40-50 साल पहले किताबों में ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता। लेकिन जो लोग चाहते, जो जिसके मन में बैठ चुका है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो यही एक दिन है भाई कल का, जिसे आप इससे भी छुटकारा पा सकते हो। शिवरात्रि, शिव की रात यानी कि मिलन की रात, जिसकी शादी नहीं होती वो भी ये शिवरात्रि की पूजा करके कर सकते हैं, और जिसके घर में मंगल कार्य नहीं होते, बच्चा नहीं होता, मैंने अभी भी बोला जीवन यही से शुरू होता है, वो भी शिव की रात को पूजन करके घर में मंगल कार्य ला सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे शिफाली जी पूछेंगे वैसे मैं उनका जवाब दूंगा। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बड़ा बड़ा खुलासा किया है कि इस दिन काल सर्पदोष की पूजा जो है वो की जा सकती है जिनकी कुंडली में काल सर्पदोष होता है। तो ये काल सर्पदोष, ये योग कैसे बनेगा, ये प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब बताएंगे कि हमें भोले शंकर के ऊपर क्या चीज़ अर्पण करनी चाहिए जिससे काल सर्पदोष का निवारण हो सके। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया जिन लोगों की शादी नहीं होती उन्हें कौन सी चीज़ भगवान शंकर पर अर्पण करनी चाहिए, तो प्रोफेसर साहब आप बहुत बड़े भक्त हैं भोले शंकर के, तो रुद्राभिषेक जो है इस दिन कैसे करना चाहिए, और कहते हैं कि 4 पहर होते हैं इस दिन, तो चारों पहर जो पूजा आराधना है वो कैसे करनी चाहिए, आज हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करके बताएं, क्योंकि आप मंदिर में बैठे हैं, भोले शंकर के मंदिर में बैठे हैं, तो भोले के भक्त हैं, तो क्यों ना रुद्राभिषेक किया जाए। शिफाली जी, मैं तो बताने वाला हूँ, पूजा करने वाले हमारे पंडित जी हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बोलता हूँ
ताकि ये जो पूजा आराधना करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ये पंडित जी करते, मैं नहीं कर सकता। मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं सही ढंग से कर सकता। जो कि मंत्रों का उच्चारण है वो चाहे, मैं आपको पता ही है, मैं अपने पास हमेशा ब्राह्मण को, पंडित जी को साथ में रखता हूँ। जब भी कहीं हवन यज्ञ पूजा करवाता हूँ तो इनसे ही करवाता, मैं खुद नहीं करता, लेकिन बताता मैं हूँ। कहते हैं ना, डॉक्टर जो होता है दवाई लिखता है, लेने के लिए आपको जाना पड़ता है भाई, आपने कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना वो आपको, लेकिन मैं तो बताने वाला डॉक्टर हूँ कि कैसे ठीक करना है। जैसे कि ये देखिए आपने, मैंने पंचामृत तैयार किया हुआ है और साथ में भांग भी रखी हुई है और धतूरा भी रखा हुआ है, साथ में मैंने बेलपत्र भी रखे हुए हैं। देखिए भांग और धतूरा, ये धतूरा क्यों बीच में डलता है और भोले शंकर को क्यों प्रिय है? जब कभी आपको पता है समुंदर मंथन हुआ था, तो शेफाली जी आपको पता ही है समुंदर से कौन सा जहर निकला था? जी, कालकूट नामक। कालकूट नामक जहर निकला था जिसको धरती पे फेंकते धरती का नाश होने जाता, जितने कीड़े मकोड़े जितने जीव जंतु मिट्टी में पैदा होते सबका नाश हो जाना था। धरती पे फेंक नहीं सकते थे, समुंदर में डाल नहीं सकते थे। 62,000 जितनी भी कहते हैं 62,00,000 प्रजातियां हैं जो पानी के बीच में हैं, तो वो भी खत्म हो जानी थी। इसलिए भोले शंकर जी ने अपने कंठ के ऊपर रख लिया था वो जहर। तो वो जब जहर रखा था तो कंठ जलने लगा था। कहते हैं जहर को जहर ही मारता है। तो फिर क्या किया था, धतूरा गले के ऊपर लगाया था, खाया था, जिससे गले को आराम मिला था, इसलिए उनको प्रिय है। तो भांग का क्या है, बहुत सुनने वाली बात है, लोग इसका नशा करने लगे हैं, ये खराब बात है। भांग की बात सुनिए, भांग क्या चीज है, जब कभी हम पूजा आराधना करते हैं, जब दो पत्ते हम जीव के ऊपर रख के या भोले शंकर को चढ़ाते हैं, बाद में हम प्रसाद भी लेते हैं, दो पत्ते जीव के ऊपर लेते हैं, हमारा जो दिमाग होता है सिर्फ 4-5% ही काम करता है, ये आपको पता होगा। जो 96% जो हमारा दिमाग होता है वो बंद होता है। तो जो पत्ते जब शिवरात्रि के दिन हम जीव के ऊपर रखते हैं, चाहे पकौड़े के जरिए, चाहे दूध में, कैसे भी आप लेते हो, तो जो आपका दिमाग खुला नहीं होता भगवान की ओर से, वो खुल जाता है। बहुत ज़्यादा रहस्य हैं, ये लोगों को पता नहीं इनके बारे में, क्योंकि मैं साइंस के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और जो पंचामृत है, पांच ग्रहों का मेल है भाई, देख लीजिए, शुक्र मीठा और चंद्र दूध, शहद मंगल, तो पांच ग्रहों को मेल को कैसे ठीक करना है। बुध के साथ कभी भी चंद्र अच्छा नहीं होता, शनि के साथ कभी भी मंगल अच्छा नहीं होता, शनि देव के साथ चंद्र भी अच्छे नहीं होते, अरे भाई बुध के साथ मंगल देव भी अच्छे नहीं होते। ये ग्रहों का, पांच ग्रहों का जो मेल आ रहा है अच्छा नहीं है। लेकिन जो आप इस वक्त कष्ट झेल रहे हो, मंगल और शनि का मेल होता तो टकराव होता है, गुस्सा बढ़ता है, आपने इस कष्ट को कैसे दूर करना है, सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही आप भांग, धतूरा और बेलपत्र भोले शंकर के ऊपर चढ़ाइए, तो देखिए कष्टों से कैसे मुक्ति मिलती है। तो अगर बीमारी लगी है तो साथ में गन्ने का रस भी लीजिए। वैसे तो पंचामृत ने आपके पांचों के पांचों ग्रह ठीक कर देने हैं। जी प्रोफेसर साहब, ये धतूरा इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। कहते हैं कि जब भी भोले शंकर पर ये चढ़ाया जाता है तो जिंदगी में जितने भी कांटे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात जी। भोले शंकर को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो बेलपत्र है, जैसे धतूरा है, पंचामृत है, तो गन्ने का रस। जैसे कि प्रोफेसर साहब, किसी की शादी नहीं होती तो उसके लिए आप कौन सा उपाय बताएंगे? बहुत आसान शेफाली जी, जिसकी शादी नहीं होती, अरे भाई शादी नहीं होती तो मंगल कार्य करने हैं, मीठे फल चढ़ाइए, तो देखिए शादी कैसे होती है। और साथ में मिठास जरूरी है भाई, बर्फ़ी ला सकते हो दूध से बनी हुई। वैसे तो आजकल लोग काजू की बर्फी खाते हैं शेफाली जी, वैसे आपने खोए की बर्फी ला के देनी है। तो अगर ये चढ़ाते हो तो शादी जिसकी नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते, मंगल कार्य होने शुरू हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो कौन सी ऐसी वस्तु चढ़ाएं भगवान भोले शंकर को कि काल सर्प दोष का निवारण हो जाए? शेफाली जी बहुत आसान, एक पानी वाला नारियल भगवान भोले शंकर के आगे अर्पण कीजिए, तो देखिए कैसे, जो इस दिन ही, आगे पीछे नहीं भाई, आगे पीछे करोगे तो राहु ठीक होगा, इस दिन अगर करते हो तो काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। जी प्रोफेसर साहब, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उनके लिए क्या उपाय करें? जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती तो पंचामृत के साथ बेलपत्र जुड़ जाइए, मंगल कार्य घर पे
होने शुरू हो जाते हैं। जी, आजकल आपको पता है कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत आसान, पति पत्नी के अगर संबंध अच्छे ना हो तो आपने क्या करना है, शुक्र का दान। शुक्र क्या होती है? चीनी, आटा और दूध से बनी हुई मिठाई कोई भी, जैसे कि पेड़ा होता है भाई, ये प्योर शुक्र ही होता है, पेड़े का दान भी कर सकते हो। तो जिसकी आपस में नहीं बनती तो दान करते हो, अगर चढ़ाते हो तो आप में बननी शुरू हो जाएगी। जी प्रोफेसर, आजकल व्यापार की बड़ी दिक्कत है, तो व्यापार चलाने के लिए हम महाशिवरात्रि पर ऐसा कौन सा उपाय करें? शेफाली जी, कोई बात रहने मत दीजिए। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि का इतना बड़ा पर्व है, भगवान भोले शंकर तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं प्रोफेसर, सिर्फ जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों ना हम महाशिवरात्रि का लाभ उठाएं? बहुत आसान, हरे रंग का गोल फ्रूट, जैसे कोई भी ग्रीन फ्रूट हो, हरे रंग का गोल फ्रूट भोले शंकर के आगे चढ़ाते हो, वो बुध ग्रह होता है, तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जी प्रोफेसर, बहुत बड़ी बात है कि आज है महाशिवरात्रि का पर्व, तो भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती को हम नहीं भूल सकते, तो कहते हैं कि हार श्रृंगार की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर क्या इस दिन हार श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, अगर शेफाली जी हार श्रृंगार चढ़ाते हैं, ये बात आपने मेरे दिल की बोल दी, जिसकी कहते हो उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, शादी नहीं होती, कई उपाय करते हैं, मंगल कार्य नहीं हो पाते, मंगलिक होती है, पक्के मंगलिक भी होते हैं, जब कभी सप्तम घर में मंगल आ जाए, अकेला बैठा हो और उच्च का बैठा हो, तो उस लड़की की शादी नहीं हो पाती, तो हार श्रृंगार चढ़ाइए इस दिन भी। तो इस दिन कहते हैं भोले शंकर जी का मेल हुआ था, आपका मेल क्यों नहीं होगा, कीजिए फिर देखिए। जी प्रोफेसर, महाशिवरात्रि के दिन 5 ग्रहों का जो मेल हो रहा है, ये मुझे लगता है कि अभी आपने बताया कि राशियों के लिए, लग्नों के लिए अच्छा नहीं आ रहा, तो आप इसके लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? अभी उपाय बताते हैं, पहले आपको पूजा बताएंगे, जाते समय उपाय जरूर बताऊंगा। जी पंडित जी, शुरुआत कीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कीजिए। हरिओम सौराष्ट्रै सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकापने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च मुखलीशोपयोदितंतरिक्षे च वृत्तकेशाय च ओम आवरणं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः प्रोफेसर, आज आपने रुद्राभिषेक किया, आज पता चला कि कैसे भोले शंकर के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, कैसे पंचामृत चढ़ाना चाहिए और भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, आज आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। तो प्रोफेसर, आपने कहा था कि मैं जाते जाते एक उपाय दूंगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये 5 ग्रहों का जो मिलन है ये अच्छा नहीं है, जैसे कि आजकल संसार में बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो आप संसार की भलाई के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? बहुत आसान उपाय, संसार को चलाने वाला सूर्य होता है, पहले इस बात को ध्यान में रखिए, सूर्य का गेहूँ होता है, तो आपने मंगल का गुड़ ले सकते हो, वैसे तो आपने शहद भी रखा हुआ है, तो गुड़ ले सकते हो आप, और साथ में शनि और मंगल का मेल हो रहा है, उड़द की दाल भी ले सकते हो। अगर आप तीनों चीज़ें गुड़, गेहूं और उड़द की दाल इस दिन दान करते हो, पूरे विश्व भर में जो संकट चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और मंगल और शनि का जो मेल है, खराब मेल है, वो भी ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।
प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे उपाय दिए। जिनको जो धन की कामना रखते हैं उनको धन प्राप्ति के उपाय दिए, जो संतान की कामना रखते हैं उनको संतान प्राप्ति के उपाय दिए, और जो शादी की कामना रखते हैं उनको शादी के उपाय दिए, व्यापार के उपाय दिए। बहुत सारे उपाय आज हमें इस एपिसोड में मिले हैं। मुझे लगता है कि ये एपिसोड जो है हमें शेयर करना चाहिए ताकि पूरे जगत का, पूरे संसार का भला हो सके। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।